बीच रात में पौधों पे इतना प्यार क्यों आता है इन लोगों को? सुबह भी पानी पिला सकते हैं, पर नहीं, बीच रात में ही सारे काम याद आ जाते हैं। अपनी रियासत में एक ये भी कानून होगा, पौधों में पानी सिर्फ सुबह दिया जाएगा। अब क्या करोगे रिंकू दादा? नंगी नंगी लेडीज दुकान के बाहर खड़ी नहीं कर सकते? लेडीज नहीं है, बुत है। अरे लेडीज बुत जो चाहे कह लो, पब्लिक तो इसी को देख कर मजा लेती है। अब ये भी बंद हो जाएगा। अच्छा है। अच्छा, अंदर रखूंगा। अंदर के कपड़े को अंदर ही रहने चाहिए। मास्टर हो गया रिंकू दादा, उसमें जान डाल दी। ड्यूटी कर ले, सारा दिन यहीं बैठेगा क्या? तुम भी ड्यूटी कर लो। अरे जब मेरी रियासत होगी ना, एक ऐसा कानून रखूंगा कि किसी के दुकान के बगल से गुजरो तो कम से कम सलाम करो, जय राम जी की, आदाब, गुड मॉर्निंग। सुशिक्षित सभ्य लोग और मुंह में एक लफ्ज नहीं। इंसान और बुत में क्या फर्क रह गया बताओ? विष्णु? हाँ दादा। कहाँ चले गए? अरे पिक्चर देखने जा रहा हूँ। अच्छा, कौन सी? ललन की लुगाई। चलेंगे क्या? देख से पिक्चर एकदम। नहीं नहीं नहीं, चलो ना। अरे शौक ही नहीं। अरे अच्छा चलो, कल मिलेंगे फिर। चलिए। मैं पहले सऊदी अरब में था, कोई लाइफ नहीं वहाँ पे, काम करो बस। पर काम के लिए ही जाते भी हैं, वरना कौन जाए अपना देश छोड़ के। वहाँ भी मैं लेडीज आइटम में था, मॉल में। पहले सऊदी की लेडीज को घर के बाहर काम करना मना था, लेकिन बाद में वहाँ के राजा को ऐसे लगा कि लेडीज आइटम बेचने का काम सिर्फ लेडीज को करना चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने देश चलो। मुंबई आया, पर किस्मत देखो, यहाँ भी लेडीज आइटम में घुसना पड़ा। वैसे हम भी राजा है। मेरे पर दादाजी, यानी दादाजी के दादाजी राजा थे, अपनी रियासत थी। समय का चक्का घूम गया, फिर भी अंदर से तो राजा हैं।
खून राजाओं का है। तुम बस ताकते रहो, तुम्हारा टाइम अप हो गया है। यहाँ के लोकल राजा बाबू का कहना है कि तुम्हें देख देख के लोग क्रिमिनल हुए जाते हैं, बड़े बड़े कांड हो रहे हैं शहर में तुम्हारी वजह से। विष्णु अव्वल दर्जे का गधा, लेडीज कहता है पागल। आंख तक तो बंद नहीं करती, सोचो अगर सोती तो उठती, उठती तो आंख मलती। मैं पागल हूं जो तुम्हें गुड नाइट बोलूं। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम ये देखिए 1200 का सेट है, 3 पीस। ये आपको 900 में पड़ेगा, ये 950 का, आपको 900 ही पड़ेगा। ये भी देखिए 700 में ऐसा पीस नहीं मिलेगा, और भी कलर है, 12 कलर है मैडम। नहीं रहने दीजिए, वैसे भी ये सब कहाँ पहनूंगी मैं। क्यों, घर पे पहनिए। मेरी समझ में नहीं आता लोग अच्छे कपड़े घर पे क्यों नहीं पहनते, खुद को देखिए शीशे में तो लगे कुछ है। देखिए देखिए, आपने ठीक से देखा कहाँ है। नहीं कलर नहीं पसंद आ रहे हैं। और भी कलर है, पिंक, ये रेड, एक और पिंक में ही 4 शेड है, टोटल 12 कलर है मैडम। मैडम आप कहीं भी देख लें, बांद्रा, अंधेरी, कोलाबा, इतने ही रंग आते हैं। कौन सा कलर चाहिए आपको मैडम? मैडम इंद्रधनुष में भी 7 ही रंग होते हैं, मैं तो फिर भी 12 दिखा रहा हूँ। अच्छा लेकिन घर की पुताई जो करने आते हैं वो तो सैकड़ों कलर का शीट कार्ड लेके आते हैं, आप तो फिर भी 12 की चॉइस दे रहे हैं। मैडम आप तो एक मिनट, एक आइटम है, एक फैंसी आइटम, आप देखिए, थोड़ा पुराना है, 1800 का था, आप 1000 में ले जाइए, कोई डिफेक्ट नहीं। ये कवरिंग सेट है, ये काम देखिए, आप ही को ले जाना था शायद इसलिए बिका नहीं, पैक कर दूं मैडम, ले जाइए ले जाइए, इसमें सोचना क्या है। ऐसा करिए अभी के लिए रहने दीजिए। नहीं मैं किसी और दिन आके ले लूंगी। अब आप मैडम अब आप ले ही जाइए। नहीं दुकान कहीं भागी थोड़ी जा रही है, देखिए वैसे आप कल दे जाइएगा। नहीं लेकिन मैडम आप पे भरोसा करके दे रहा हूं, हम लोगों में जुबान का पक्का होना बड़ी बात होती है। मेरे पर दादाजी राजा हुआ करते थे मैडम, 100-200 के लिए किसी का मन छोटा हो, आप ले जाइए प्लीज। दुकान आपकी है? जी मैडम, पहले मैं सऊदी अरब में था सेल्स में, फिर सोचा सेल्स तो अपने देश में भी हो सकता है, ये दुकान ले ली, अपना वतन अपनी दुकान, और क्या चाहिए। कल परसों जब भी आएगा पैसे दे दीजिए, क्या टेंशन उसकी, आप तो आती जाती हैं देखा है मैंने। ठीक है मैडम आइएगा फिर। थैंक यू, एक्चुअली बजट से थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन शादी भी तो एक ही बार होती है ना।
मैं जरूर आऊंगी कल पैसे देने। थैंक यू। जब मेरी रियासत होगी उसमें कोई शादी की शॉपिंग नहीं करेगा, बिल्कुल बैन लगा दूंगा फजूल के खर्चे। क्या जरूरत थी बजट से बाहर की चीज ले है? और ये किसने कह दिया कि शादी सिर्फ एक बार होती है? मेरे पर दादाजी ने 3 बार की थी। क्या गपशप हो रही है रिंकू दादा? विष्णु राजा, दादा दादा एक बारी बस। क्या मिलेगा? प्लास्टिक है। पर दादा आपको तो सुबह शाम चांस मिलता ना। हो गया बस। सच्ची दादा कुछ भी नहीं होते? 2 साल से कह रहा हूं बुत है, बुत से क्या होगा। पर दादा तुम क्या कर दो? हाँ अरे कुछ करो दादा वरना पागल हो जाओगे। क्या करूं? अरे दुनिया भर के लेडीज कुछ भी कर सकते हो। अरे जैसी भी हो इंसान हो कुछ भी कर सकते हो। एक काम करो मेरे साथ चलो। कहाँ? अरे मैं लेके चलता हूँ ना, चलो मेरे साथ एक जगह। नहीं तू कहाँ जाता है मुझे मालूम। अरे दादा चलो मुझे मालूम। अरे भरोसा नहीं है मुझे क्या? अच्छी तरह मालूम। अरे रिंकू दादा तुझे मैं ठीक से पहचानता हूँ। अच्छा दादा तुमने आखिरी बार किसी औरत को मतलब असली औरत को कब टच किया था? मतलब सऊदी अरब के पास से? सऊदी अरब में आते जाते बस में या ट्रेन में या सड़क पे? दादा किसी एक में नजर डालो और उसके पीछे रहना ठीक है। पीछे रहना दादा ठीक है। बस आ रही सूरत है उसकी दादा हर जी का 4 पैसे कमा लेगी, 2 रोटी पेट में चली जाएगी, उसका भी पेट है दादा। मेरे पर दादाजी राजा थे। अरे तो राजाओं का खून है हम। अरे गरीब की मजबूरी का फायदा उठाओ। तुम तो जब मेरी रियासत होगी ना बिल्कुल बैन लगा दूंगा सब। अरे तुम सब रहना बैन रियासत बिल्कुल पूरा दादा। बहुत दुखी कर दिया दादा। तुझे क्या दुख? क्यों गाँव में खेत है तो गाँव है ना इधर का दुख कर दे। और आपका दुख बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा अपनी रियासत में क्या करोगे?
अपनी रियासत में ना लेडीज सीट नहीं, लेडीज डब्बा ही नहीं हो। निकाल के फेंको। लेडीज संगीत नहीं होगा, सब डांस करेंगे। हाँ एक साथ लेडीज, एक साथ, एक साथ भाव वाला डांस होता है, मामला नहीं होता है। बॉल डांस। हाँ वो बॉल डांस, बॉल डांस करें, कंपलसरी कर दो। बॉल डांस बड़ी बोर रहता था राष्ट्र की गुड़िया। अरे औरत ऐसे थोड़ी होती है, औरत का पुतला हो तो औरत जैसा लगना तो चाहिए। ना इस सर पे बाल बुला दो, अरे विदेशी है, अरे ना तो देखा, अरे विदेशी स्टाइल की बुत है बुद्धू। विदेश की औरत में क्या दांत नहीं है? पागल भी देखो, पागल चिकनी मैं सोच ठीक समझ नहीं। आ क्या देख रहा है? तेरी बाप की दुकान नहीं है पता है? फ्रांस में लेडीज को बुर्का करने की इजाजत ही नहीं। बुर्का बैन, घूंघट बैन, सऊदी अरब में उल्टा। अब देखो क्या बात। मैं 4 साल था सऊदी अरब में, मेरी रियासत फ्रांस में होगी, उसी के अगल बगल। फ्रांस नहीं तो बेल्जियम, नहीं तो आइसलैंड। आइसलैंड में रात नहीं होती, 2400 घंटे हो जाता। मेरी रियासत में रात नहीं होगी, होगी तो छोटी सी लंबी रात। नहीं नहीं, अपनी रियासत में ऐसा नहीं होगा। इसका काम देखिए, अब बॉर्डर देखिए, और इसके साथ ब्लाउज भी आता है। ये देखो,
ये वाला चाहिए आपको? पैक कर दूँ, 400 का है टोटल। ये लीजिए, थैंक यू। की क्या बात है, तू इसे रोमांटिक तरह से ले रही है? इसमें रोमांटिक क्या है? बाय द वे, लाल मुंह, आंख में खून, मतलब क्या कहना चाहता है? तू चुड़ैल है, वैम्पायर है,